वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज। मुस्लिम समाज में सुअर को अपवित्र माना जाता है, यहाँ तक कि इसका नाम तक नहीं लिया जाता। ऐसे में कोई इसे गिफ्ट दे दे तो आप यही कहेंगे कि भैया बवाल हो जाएगा, पर ऐसा ही हुआ है। लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि इस्लामिक कंट्री के दोस्त ने यह गिफ्ट दिया है। सही सुना आपने, सुअर तोहफे में दे दिया। चीन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दक्षिण पश्चिमी चीन के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले 20 छात्रों को पुरस्कार के तौर पर सुअर के बच्चे दिए गए हैं, जिसे बच्चों के माता पिता अपने साथ ले गए। इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें कुछ बच्चे मुस्लिम भी थे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना यूनान प्रांत के गिलाओ की बताई जा रही है। यहाँ के छात्रों के साल भर के प्रदर्शन का इनाम स्कूल के प्रबंधन ने 20 छात्रों के परिवार को 20 पिगलेट दिए हैं, मतलब सुअर के बच्चे दिए हैं। प्रत्येक सुअर का वजन 5 से 10 किलोग्राम के बीच था और उसने सफेद, पीले और काले रंग की फर पहन रखी थी। शिक्षक हो के मुताबिक इस तरह के इनाम से न केवल छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि उनके परिवार को भी मदद की जाएगी। उनका मानना है कि ये सुअर उन्हें पैसे कमा के देगा। लेकिन कई कट्टरवादी और कई जिहादियों ने तो भैया ये तक कह दिया कि ये तो हमारे खिलाफ है, ये हराम है। अगर ऐसा ही चीन यहाँ पर उनके साथ कुछ करता रहेगा तो हम यहाँ से बवाल करेंगे। लेकिन सबको पता है कि चीन वहाँ पर उइगर मुस्लिमों के साथ क्या कुछ कर रहा है। उनको लगातार मार रहा, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने पर भी चीन ने मुस्लिमों में बैन लगा दिया है। मतलब जिस तरीके से ये मुस्लिम यहाँ पर चाइना में न बवाल कर पा रहे हैं न कुछ, जो भी चाइना उनसे कर रहा है, करवा रहा है, सब कुछ वो करने को तैयार है। अब आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।